हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा। प्रभावी कदम उठाकर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के दिए आदेश। कहा, कुछ जनपदों में अधिकारियों की लापरवाही से बढ़े हैं मरीज। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से डीआईजी रेंज राजेश जी मोडक ने मंडल वासियों को दी रमजान की मुबारकबाद। कहा, घरों में ही करें इबादत, सोशल डिस्टेंसिंग का दें ध्यान। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने मुस्लिम समाज को दी रमजान की मुबारकबाद। कहा, घरों में पढ़े नमाज, खोले रोजा, आवश्यक सामग्री पहुंचेगी आपके घरों तक, प्रशासन का करे सहयोग जिससे मिल सके कोरोना से निजात। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की अपील। कहा, घरों में ही करें रमजान की इबादत, मुस्लिम समाज, जिससे अपना जनपद रहे कोरोना मुक्त। पशुपालन विभाग के निराश्रित पशुधन भोजन एवं इलाज वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, अपने घर के आसपास के छुट्टा पशुओं को दें दाना पानी। डीएम और एसएसपी ने किया एम्स व बच्चों के जेल का निरीक्षण। महानगर में लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हो काम। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जामा मस्जिद उर्जू बाजार के शाही इमाम अब्दुल जलील मजाहरी ने मुल्क वासियों को दी रमजान की मुबारकबाद। कहा, पूर्व की भांति घरों में ही अदा करें नमाज और तरावी, करें लॉकडाउन का पालन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग एवं प्राइवेट डॉक्टरों के एसोसिएशन की बैठक। इमरजेंसी सेवा में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज को पूरी सुरक्षा एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करने के दिए निर्देश। क्रेजी और पार्ले जी के फैक्ट्री का जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नायब तहसीलदार ने किया आकस्मिक निरीक्षण। दिए साफ सफाई और मजदूरों को ग्लव्स पहनकर काम करने के निर्देश। शुक्रवार की रात्रि सिटी मजिस्ट्रेट ने महेवा मंडी का किया निरीक्षण। मंडी में सब्जी बेचने वाले किसानों की समस्या को देखते हुए किसानों की बनवाई अलग लेन। नगर निगम का प्रवर्तन दल चला रहा है अवैध होल्डिंग के खिलाफ अभियान। नाला सफाई में भी कर रहा है सहयोग। कर्नल सीपी सिंह ने कहा, पॉलिथीन का ना करें प्रयोग। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए जरूरतमंदों को लंच पैकेट भी किया गया वितरित। अपने सामने आरोग्य सेतु ऐप कराया डाउनलोड। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम करा रहा है नालों और नालियों की सफाई जिससे बरसात में मिल सके जल भराव से निजात। शुक्रवार को रमजान के मौके पर महेवा मंडी से निकल रही सब्जियों की गाड़ी में रखवाया गया फल। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने की अपील। घरों में रहकर अदा करें नमाज, करें सोशल डिस्टेंस का पालन। और शुक्रवार को महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। शहर में बिना पास के आने वाले लोगों को पुलिस ने किया वापस। अनावश्यक घूमने वाले लोगों को एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठा कर दी गई सजा।